वेलकम टू GKGS विथ मनीष सर। आज 10 अक्टूबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने मोदी एट द रेट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये विमोचन किया गया है केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। देखो, एस जयशंकर के द्वारा मोदी एट द रेट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय के सदस्यों को उनकी असाधारण उपलब्धियों और योगदान के लिए सम्मानित है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 6 अक्टूबर 2022 को कीव इंडियन हॉल ऑफ फ्रेम अवार्ड 2022 में भाग लिया और वहीं इस पुस्तक का विमोचन किया। अब कीव में किया गया तो कीव कहाँ है? तो कीव है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं जसेंडा अर्डेन और न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। मैंने कल बताया था आपको एक न्यूजीलैंड के बारे में क्वेश्चन कि भारत ने वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के साथ समझौता किया है न्यूजीलैंड देश के साथ, यानी कि भारत और न्यूजीलैंड ने वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है? तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने PR श्रीजेश को सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है हॉकी में। अब महिला में किसे चुना है? तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने महिला में सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर जो चुना है वो चुना है सविता पुनिया को। किसे चुना है? सविता पुनिया को महिला गोलकीपर चुना है सर्वश्रेष्ठ में। और पुरुष में किसे चुना है? तो PR श्रीजेश को पुरुष में चुना है। अब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में कहाँ पर है? तो लुसाने में है। लुसाने, स्विट्जरलैंड के लुसाने में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय है। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को और हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप टंकी। कौन बने हैं? तो दिलीप टंकी हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। अच्छा, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है और हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं। मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है हॉकी का जादूगर, द विजार्ड, और मेजर ध्यानचंद की जयंती पर ही मनाते हैं खेल दिवस, 29 अगस्त को मनाते हैं खेल दिवस। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में फायर बोल्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो फायर बोल्ट ने कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यह अभिनेत्री है किराया आडवाणी, इसी को फायर बोल्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखो, अब कुछ दिनों पहले जो नए नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो कौन कौन बने हैं? तो जैसे फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पंकज त्रिपाठी, रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं KL राहुल, गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा, गेम 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋतिक रोशन, गेमिंग ऐप A23 और थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान, एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा। ठीक है, डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन, सुपर फूड ब्रांड पिटोला के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सुनील छेत्री। ठीक है, मैक्स लाइफ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रोहित शर्मा और रितिका सचदेह को मैक्स लाइफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अच्छा, नीरज चोपड़ा, तो नीरज चोपड़ा जिस दिन भाला फेंके थे उसी दिन भारत सरकार ने घोषणा की है कि भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। तो भाला फेंक दिवस कब मनाया जाएगा? जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी जो करेगा वो करेगा सऊदी अरब। कौन करेगा? सऊदी अरब। देखो, सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तो सऊदी अरब की राजधानी जो है वो है रियाद, और प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान। कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर हैं सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, और करेंसी है सऊदी रियाल। क्या है करेंसी? तो सऊदी रियाल सऊदी अरब की करेंसी है।
अब अगला प्रश्न आपका है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पांचवी सभा का आयोजन कहाँ होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पांचवी महासभा का आयोजन जो होगा वो नई दिल्ली में होगा। कहाँ पे होगा? तो नई दिल्ली में होगा। अच्छा, नई दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल आम जनता पार्टी के हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में ही तीनों सेना का मुख्यालय है, अर्थात इंडियन आर्मी का मुख्यालय है, इंडियन एयरफोर्स का मुख्यालय है और इंडियन नेवी का मुख्यालय है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। पंजाब नेशनल बैंक, जो भारतीयों के द्वारा चलाया गया भारत का पहला बैंक था, इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में ही है। ठीक है, CRPF का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। ठीक है, ITBP का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। और NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। ठीक है, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान का मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। और ऑल इंडिया मेडिकल साइंस का मुख्यालय भी नई दिल्ली में, एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। ठीक है, देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो पांचवी महासभा का आयोजन होगा वो कहाँ पे होगा? दिल्ली में होगा। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। और गुरुग्राम कहाँ पे है? हरियाणा में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कब हुई थी? तो 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना हुई थी और इसके डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कहाँ की गई थी, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है ना, वहीं पे गठबंधन हुआ था, उसी में की गई थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना। देखो गुरुग्राम हरियाणा में है, गुरुग्राम में ही आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है। paisabazaar.com का मुख्यालय भी गुरुग्राम में ही है और गुरुग्राम में भारत का पहला हेली हब की स्थापना जो हुई भारत में वो गुरुग्राम में ही हुई है। गुरुग्राम में मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान जो है यह गुरुग्राम में ही है। ठीक है, भारत का पहला अनाज ATM अन्नपूर्णा ATM गुरुग्राम में ही बना है। मस्तिष्क का मैंने नाम लिया तो मस्तिष्क में ही होता है अल्जाइमर रोग। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में CB George किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो CB George जो हैं वो जापान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। अब जापान, तो जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की करेंसी है जापानी येन, जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फोमियो किशिदा और जापान के जो सम्राट हैं वो है नारोहितो। अभी जापान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और ये प्रश्न आपका BPSC एग्जाम जो इस बार हुआ है 67 में, उसमें भी पूछा गया था कि जापान के कौन से पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनको चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तो शिंजो अबे की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, जापान के संसद का नाम है डाइट, जापान का राष्ट्रीय चिन्ह है गुलदाउदी, जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो और इम्पीरियल पैलेस जो है यह कहाँ पर है? तो टोक्यो जापान में ही है। जापान में ही सबसे पहले परमाणु बम गिराया गया था। तो आपको बताना है कि जापान में देखो दो बार परमाणु बम गिराया गया, एक 6 अगस्त को एक 9 अगस्त को। तो 6 अगस्त को और 9 अगस्त को किस वर्ष गिराया गया और उस परमाणु बम का नाम क्या था और वह किस देश के द्वारा गिराया गया था, इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, महिला एशिया कप 2022 जो जीता वो जापान ने ही जीता। जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन और ये नारायण कुमार को दिया गया इस बार का। जापान इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज जो हो रहा है वो भारत और जापान के बीच ही हो रहा है, नाम ही यहाँ पे है जापान इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज और यह बंगाल की खाड़ी में हो रहा है। अच्छा, बंगाल की खाड़ी से याद आया आपका कि भारत के कितने तटवर्ती राज्य हैं? देखो ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है, तो बताना आपको ये है कि भारत के कितने तटवर्ती राज्य हैं? देखो भारत के 9 तटवर्ती राज्य, एक गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद ओडिशा और ओडिशा के बाद हो जाएगा वेस्ट बंगाल। तो ये जो 9 भारत के तटवर्ती राज्य हैं, कितने हैं? 9। तो देखो भारत के 9 हैं तटवर्ती राज्य। अच्छा, भारत के कितने राज्य तटवर्ती नहीं हैं? तो समझ ही गए होगे 19 नहीं है। तो 19 भारत के स्थल रुद्र राज्य हैं। अच्छा, बताना है आपको कि इस 19 स्थल रुद्र राज्य में से कितने ऐसे स्थल रुद्र राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं? तो 14 ऐसे स्थल रुद्र राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं। आप लोग बोलोगे गलत है, ये 16 होगा, तो ये 16 होगा, लेकिन 16 राज्य जो आपका है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लगता है, लेकिन ये 16 राज्य तटवर्ती, 16 राज्य आपका स्थल रुद्र राज्य नहीं है।
14 ही ऐसे राज्य हैं जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ राज्य है, और दो राज्य जो आपका है वो गुजरात है और पश्चिम बंगाल है, जो आपका समुद्र तट से भी लगा हुआ है और भूमि से भी लगा हुआ है। लेकिन 14 राज्य जो आपका है वो केवल और केवल स्थल से घिरा हुआ राज्य है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो कितने स्थल रुद्र राज्य हैं? तो 19 आपके स्थल रुद्र राज्य हैं, जबकि 9 जो आपके हैं वो भारत के तटवर्ती राज्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में यस बैंक के MD एंड CEO कौन बने हैं? तो यस बैंक के MD एंड CEO बने हैं प्रशांत कुमार, फिर से बन गए प्रशांत कुमार। ठीक है, यस बैंक की का हेडक्वार्टर है मुंबई में। यस बैंक की स्थापना जो की गई थी आपकी वो राणा कपूर और अशोक कपूर के द्वारा की गई थी, और यस बैंक की स्थापना जो हुई वो 2004 में हुई। कब हुई यस बैंक की स्थापना? 2004 में हुई। अब यस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में, तो मुंबई में ही BCCI का हेडक्वार्टर है, मुंबई में ही आपका RBI का हेडक्वार्टर है, SBI का हेडक्वार्टर है, नवार्ड का हेडक्वार्टर है, ब्रबोर्न स्टेडियम मुंबई में ही है आपका, और वानखेड़े स्टेडियम भी मुंबई में है, नेशनल स्टेडियम दिल्ली में भी है और मुंबई में भी है। अब बैंक के बारे में आया तो देखो, और भी बैंक ने बहुत सारी योजनाओं को शुरू किया है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की गई है, कैशलेस कैशबैक कार्ड जो लॉन्च किया गया है वो SBI के द्वारा लॉन्च किया गया है, जमा उत्सव योजना SBI ने शुरू किया, बांग्लादेश ने भारतीय वीजा केंद्र चलाने के लिए बांग्लादेश में भारतीय वीजा केंद्र चलाने की घोषणा SBI ने की है, ग्राम सेवा कार्यक्रम SBI ने शुरू किया है, इसके तहत 30 गांवों को गोद दिया जाएगा जो दूर दराज गांव है, जो बहुत पिछड़े हुए गांव है। ठीक है, ग्राहकों की सुविधा के लिए SMS बैंकिंग की शुरुआत जो की गई है वो HDFC बैंक के द्वारा की गई है। ठीक है, गुजरात में बैंक ऑफ वहिल्स सेवा की शुरुआत HDFC ने की है, किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलीकरण की घोषणा यूनियन बैंक ने की है, सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विजिल आंटी की शुरुआत और मुंह बंद रखो अभियान जो शुरू किया गया है यह HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, उत्सव अभियान खुशियों का त्यौहार है यह बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा शुरू किया गया है, और स्मार्ट वायर सुविधा की शुरुआत जो की गई है वो ICICI बैंक के साथ की गई है। अच्छा, ICICI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो गुजरात के बड़ौदा में ICICI बैंक का हेडक्वार्टर है, और ICICI के चेयरमैन जो है, CEO जो है वो शशिधर जगदीशन है। कौन है? शशिधर जगदीशन। और ICICI की स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में हुई थी। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में केरल राज्य सरकार ने सामान्य शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह किया है फिनलैंड के साथ। किसके साथ किया है? तो फिनलैंड के साथ केरल राज्य सरकार ने सामान्य शिक्षा और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। अब फिनलैंड, तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं सॉली निनिस्टो, और फिनलैंड के प्रधानमंत्री अर्थात प्राइम मिनिस्टर हैं सना मीर। फिनलैंड की करेंसी है यूरो। अब केरल ने किया है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, और केरल में राज्यसभा सीट 9 है और लोकसभा सीट 20 है। केरल में परम्बिकुलम नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। कहाँ पे तीनों नेशनल पार्क है? तो केरल में है। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता। राज्य का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस जो जारी किया गया है वो केरल के द्वारा जारी किया गया है। देश की पहली पेपरलेस अदालत जो बनी है वो केरल बनी है। ठीक है, पुनमंदा झील में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन हुआ केरल में। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। GST चोरी को रोकने के लिए लक्की बिल ऐप जो लॉन्च किया गया है वो केरल के द्वारा किया गया है। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर, महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस देश ने ग्राम सेवा कार्यक्रम की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने ग्राम सेवा कार्यक्रम की घोषणा की है? तो SBI बैंक ने ग्राम सेवा कार्यक्रम की घोषणा की है। अब SBI ने की है तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में, SBI के चेयरमैन है दिनेश कुमार खरा, और SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 को SBI की स्थापना हुई थी। आज का आपका प्रश्न है, श्री महाकालेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है?
आपको जवाब देना है। और इस राज्य गुजरात के गवर्नर कौन है, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है, तमिलनाडु के सीएम कौन है और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, आंध्र प्रदेश के सीएम और गवर्नर कौन है, और प्रत्येक राज्य से आपको एक एक नेशनल पार्क बताना है। ये आपका होमवर्क है कल का, जो आपको बताना है मुझे, ठीक है। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।